नीलम, जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, जैसे लाइफ स्टाइल बदल गई, तौर तरीका बदल गया। अब बताए, पढ़ाई लिखाई की दुनिया में भी एक नया कॉन्सेप्ट आया, होम स्कूलिंग, यानी नई सोच, नया नजरिया, नया एजुकेशन का तरीका। हाँ, तुमने इसके बारे में सुना है, होम स्कूलिंग? सुना है, लेकिन मैं फिलहाल ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। नहीं, मैं कई रिपोर्ट देख रहा था कि इंडिया में कोविड के बाद बहुत सारे लोग होम स्कूलिंग कर रहे हैं, पर इस कॉन्सेप्ट को शायद समझना मुश्किल है। और मेरे नजरिए से ये भी है कि शायद इसके बारे में थोड़ा सा और बात करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। बात भी करना चाहिए, और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो किस तरह से लोगों को गाइड करना है, कौन से बच्चे होम स्कूलिंग के लिए सूटेबल हैं, ये सब जानना भी जरूरी है। जरूरी है, बिकॉज जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पे और भी बच्चे रहते हैं, उनके साथ मिलता जुलता है, ग्रो के चांसेस ज्यादा होते हैं, सोशल डेवलपमेंट ज्यादा होता है। पर नॉर्मली होम स्कूलिंग के बारे में लोग पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हमारे पास कोई एक ऐसा तो होना चाहिए जो हमें होम स्कूलिंग का पूरा तौर तरीका समझा सके। एग्जैक्टली, और होना क्यों चाहिए, हमारे पास है साजिद, हमारी अपनी अस्मा मैम, जिनकी अपनी बेटी ने होम स्कूलिंग भी किया है और आज वो होम स्कूलिंग के जरिए मियामी भी जा रही है। तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, तो मैं तो डिटेल में बात करना चाहूंगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंडिया में आ रहा है। तो साजिद, क्यों ना आसमा मैम के जरिए इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए। जरूर, बहुत जरूरी है। तो व्यूअर्स, आपकी मुलाकात करते हैं आसमा जैदी मैम से। मैम, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम अलैकुम मैम। वालेकुम सलाम साजिद। मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि फोकस हाई स्कूल में आपने रिसेंटली ही होम स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है इसे इंट्रोड्यूस किया है, साथ ही आपकी अपनी बेटी ने भी होम स्कूलिंग की है, तो इसके बारे में बताइए। जी नीलम, एक्चुअली फोकस हाई स्कूल में हमने होम स्कूलिंग नहीं, इट्स अ डिफरेंट बोर्ड, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके जी, तो उसका हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट, एक सेक्शन खोला है। ये डिफरेंट है होम स्कूलिंग से? हाँ, मतलब आई विल टेल यू द कनेक्शन, बट इट इज काइंड ऑफ डिफरेंट बिकॉज होम स्कूलिंग जो बच्चे करते हैं वो NIOS भी कर सकते हैं। अच्छा। और जरूरी नहीं है कि सारे NIOS के बच्चे होम स्कूल हों। तो हमारे स्कूल में जिस तरह NIOS की एक क्लासरूम है, तो उसी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो घर बैठकर भी NIOS का प्रोग्राम कर सकते हैं। सो इट्स नॉट स्टेट बोर्ड, इट्स ओपन स्कूल, बट इट्स अ नेशनल डिग्री, नेशनली एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। ओके, इसकी लाइक वैल्यू कोई कम नहीं होती? इसकी वैल्यू बिल्कुल कम नहीं होती। इट इज जिस तरह आप स्टेट बोर्ड से 10th करते हैं, ICSE से 10th करते हैं, जिस तरह आपको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन आता है 10th का, आपके स्कूल का नाम नहीं आता मगर आपको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट आता है ना, राइट? इसी तरह आपको NIOS का सर्टिफिकेट आता है, 10th का भी, 12th का भी। और होम स्कूलिंग में भी यू कैन ऑप्ट फॉर डिफरेंट बोर्ड्स। होम स्कूलिंग में आप कैम्ब्रिज का बोर्ड ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा। आप इसका NIOS का बोर्ड ले सकते हैं। और हर स्टेट का अपना एक ओपन स्कूल होता है, हैदराबाद के लिए तेलंगाना का ओपन स्कूल है, तो उसे कहते हैं टॉस, तेलंगाना ओपन स्कूल। तो ये हमारी चॉइस हो सकती है, पर्सनल चॉइस। इट इज योर चॉइस, यू कैन स्टडी एनीवे, जिस तरह आप CBSE या ICSE, IB, इट्स योर चॉइस। तो इस तरह होम स्कूल, अगर आपको खुद से पढ़ना है तो यू कैन चूज एनीवे टू। मैडम, आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग फैसला ले रहे हैं कि होम स्कूलिंग अच्छा कॉन्सेप्ट उन्हें लग रहा है, लेकिन आपने भी खुद अपनी एक बच्ची को होम स्कूलिंग कराया है, तो मैं चाहता हूँ कि अपना एक्सपीरियंस बताएं, ये फैसला आपने कैसे लिया था? एक्चुअली साजिद, बीइंग एन एजुकेटर, आई थिंक मैं अपने बच्चों की ज़रूरतों को ज़्यादा समझती थी फ्रॉम अ रेगुलर मदर मे बी, एंड माई डॉटर वॉज वेरी डिटर्मिंड के शी वॉन्टेड टू डू सब्जेक्ट्स ऑफ हर चॉइस। अच्छा। तो जब उसने 10th किया, 10th भी उसने होम स्कूल से ही किया, मगर जब तक वो 10th करी थी तब तक वो स्कूल जाती थी। She used to go to a school, it was a Waldorf school, it was a different kind of a school, और उसमें वो लोग 10th home school से करवाते थे। तो तब तक उसके पास school था, मगर when she finished 10th, board वही था NIOS, मगर when she finished 10th, तो तेलंगाना में बहुत अजीब सी बात है 11th and 12th के लिए, या तो commerce economics की stream है आपके पास, और या आपके पास BIPC, MPC है, physics, chemistry, maths, या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसके अलावा बच्चों के पास कोई खास चॉइस नहीं है। एटलीस्ट जिन स्कूल्स में मैं गई उसमें मुझे कोई चॉइस नजर नहीं आई, एंड माई डॉटर वॉज वेरी डिटर्मिंड कि मुझे ये सब्जेक्ट्स करना ही नहीं है। तो इट तो शी वॉज लाइक, नहीं, मैं NIOS से 11th 12th करूँगी, एंड इट वॉज अ टफ डिसीजन क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी एजुकेशन की, उसकी ग्रोथ की, पर्सनैलिटी की, सोशलाइजेशन की, वॉज देन इट्स ओनली माइंड।
जी, जब आप किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो यू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द स्कूल. आपको इस बात की उम्मीद होती है कि स्कूल भी कुछ करेगा, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा उनकी पर्सनैलिटी में. बट वेन अ चाइल्ड इज होम स्कूलिंग देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. मैम, जिस तरह आपने कहा कि आपकी बेटी 10th स्टैंडर्ड तक स्कूल गई होम स्कूलिंग के जरिए ही, तो ये जो लोगों के माइंड में होम स्कूलिंग मतलब घर पर बैठ कर ही पढ़ना, तो ये क्या ये ऐसे ही होता है? मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया जब आपने कहा. जी हाँ, एक्चुअली बहुत सारे तरीके हैं. मतलब होम स्कूलिंग का मतलब इट्स यूज्ड एज अ मिसनोमर. मतलब आप ओपन स्कूल को भी होम स्कूल कर सकते हैं, घर बैठकर भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और आप उसे कोई जैसे कई एक कम्युनिटी में लाइक माइंडेड पीपल, जैसे जो मेरी बेटी स्कूल जाती थी वो एक तरीके के सोच के माँ बाप थे जिनको अच्छा. अपने बच्चों को ट्रेडिशनल स्कूल नहीं भेजना था. okay. उसमें मैं भी शामिल थी. मुझे अपनी बच्ची को रेगुलर वाले स्कूल में नहीं भेजना था क्योंकि मुझे लगता था कि उसकी पर्सनैलिटी के लिए वो किसी स्कूल में कोई खास फिट नहीं होती. जी. okay. तो शी हैड अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड आई रिस्पेक्टेड दैट एंड आई पुट हर इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्कूल जहाँ मेरी सोच मेरे हम ख्याल लोग थे. तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी, बहुत छोटी सी कम्युनिटी थी, बहुत कम लोग थे. तो वी वर अ ग्रुप, तो उसको मैं स्कूल कह रही हूँ. इट वॉजंट अ बिग स्कूल, इट वॉज अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जिनके बच्चे साथ में एक जगह जाके पढ़ते सो दैट दे हैड अ रूटीन. तो रेगुलर स्कूल की तरह स्कूल नहीं था, जैसे नॉर्मली हम लोग 8 बजे बच्चों को छोड़ने और 3 बजे लेकर आने गए. नहीं, एक स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होता. हाँ, उनका स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं था और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें करते थे. तो उस स्कूल में, उस कॉन्सेप्ट में मेरी बेटी ने कॉन्ट्ररी टू द चिल्ड्रन नाउ, उसने वो लोग स्कूल में खाना पकाते थे, उन लोगों के स्कूल में एक फूड ट्रक आता था तो वो लोग अपनी सेल करते थे. उन्होंने मैथ्स उस तरीके से सीखी. Okay. फिर वो लोग बहुत ज़्यादा बॉडी एंड मूवमेंट और इंटीग्रेशन पे काम करते थे, विच वाज फैंटास्टिक. सोशल इमोशनल लर्निंग पे बहुत काम होता था. बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इस पे बहुत काम होता था. तो आपको नहीं लगता ये ज्यादा मेहनत है होम स्कूलिंग बनिस्बत रेगुलर स्कूल से? बिल्कुल है. तो और शायद इसमें खाली ऐसा लगता है कि बच्चे को अपने टाइम के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन एफर्ट मतलब ये डिसीजन कोई ले उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि कोई एक बिल्कुल हल्का फुल्का डिसीजन नहीं है. नहीं नहीं, बहुत ही सख्त फैसला है. और शायद मैंने टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी और पैसा तीनों चीजें होम स्कूलिंग में मैंने ज्यादा लगाई हैं. अच्छा, अगर फीस अगर मैं नॉर्मल स्कूल भेजती तो शायद फीस भी कम होती, मगर इस वाले स्कूल की तो फीस भी ज्यादा थी क्योंकि हमारा छोटा ग्रुप था. तो हम जिसको भी पढ़ाते थे क्लासेस लेने के लिए या किसी का, उसको हमको पे करना होता था. तो पूरा ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूट करता था उनकी पेमेंट के लिए, उनकी क्लासेस के लिए. एंड जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो क्योंकि इन लोगों का ग्रुप बहुत छोटा था, महदूद था, 3-4 लोग ही थे, तो इनकी सोशलाइजेशन के लिए फिर मुझे अलग अलग क्लब्स, फोटोग्राफी क्लब, आपने पर्सनली एनरोल किया? वो मैंने पर्सनली एनरोल किया अलग अलग जगहों पर, ताकि वो लोगों से मिले, बातचीत करे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे. तो यस, इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. मतलब नॉर्मली अगर मैं देखूं तो आपने अपनी बच्ची के लिए अदर एक्टिविटीज पे भी ज्यादा फोकस किया है. बहुत काम किया. okay. सिर्फ काम नहीं साजिद, बहुत मेहनत की. मतलब आज अगर कोई अगर डिसीजन ले रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक महदूद नहीं होगा, उसे और भी चीजों में डालना पड़ेगा. मतलब पढ़ाई लिखाई इज ओनली वन पार्ट ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन कंप्राइजेस ऑफ एक्सपोजर, एक्सपीरियंसेस, लोगों से बात करना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कॉन्फिडेंस, फिर आपको नो हाउ, जनरल नॉलेज, चीज़ों के बारे में बात करना. तो यस, इट टेक्स अ लॉट. जी मैम, जहाँ हम NIOS और होम स्कूलिंग की बात करें, और किस तरह आपने बताया कि एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें मिलके एजुकेशन बनता है. जी. तो अगर हम बात करें वो बच्चों की जो होम स्कूलिंग या NIOS को ऑप्ट करते हैं, तो पहला तो हमारा एक जनरल माइंडसेट होता है कि ये बच्चे वीक हैं इसलिए ये NIOS कर रहे हैं या तो फिर ये होम स्कूलिंग कर रहे हैं. दूसरा, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इन बच्चों के लिए ना साजिद करियर ऑप्शंस नहीं है या बहुत कम है. तो ये बात कितनी हद तक सही है? आई डोंट थिंक सो नीलम एट ऑल. मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ. मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं हैदराबाद में, उन्होंने अपने बेटे को 12th करवाया बाई PC से, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री लिया, मगर NIOS के थ्रू उन्होंने 12th करवाया. शी डिडंट सेंड हिम टू अ रेगुलर स्कूल,
शी गॉट हिम ट्यूटर्ड एट होम एंड उसने मेडिसिन की. सो ही टुक द NIOS ऑप्शन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिसिन. तो उसने उसके बाद मेडिसिन ली. बहुत सारे डिप्लोमैट्स होते हैं, फॉरेन डिप्लोमैट्स होते हैं, यंग चाइल्ड आर्टिस्ट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एथलीट्स होते हैं. तो दे ऑल डू देयर स्कूलिंग. वो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते ना, क्योंकि उनकी शूट होती है, उनको साइट पे जाना होता है, या उनके गेम्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है. अब जैसे कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो उसके लिए उन लोगों को विगरस प्रैक्टिस होती है, फुटबॉल, हॉकी. राइट. तो देन दे ऑप्ट फॉर NIOS. ऐसा नहीं है कि NIOS अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो आप बहुत कमजोर हैं या किसी तरह का कुछ कामयाबी नहीं मिलेगी आपको. माइंडसेट के साथ चल रहे हैं. नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आपको अपनी बेटी के सब्जेक्ट्स बताऊं. मेरी बेटी ने लिया था, शी टुक इंग्लिश, शी टुक बायोलॉजी, शी टुक साइकोलॉजी, शी टुक अर्ली चाइल्डहुड एंड शी टुक मास कम्युनिकेशन. Okay. Oh, okay. So these are not light subjects. She had to study a lot for them. But those are interesting subjects also, ma'am. Oh yes, they are very interesting subjects. And now, inshallah, she's going to do her graduation in psychology. So she wants to be a therapist. So let's see where life takes her. But I mean, कोई भी रास्ता open school करने से बंद नहीं होता. In fact, I think बहुत सारे interesting subjects हैं open schooling में. ओपन स्कूलिंग में ट्रैवल एंड टूरिज्म है, मास कम्युनिकेशन है, सोशल साइंसेज है, योगा है. हमारी कम्युनिटी म्यूजिक नहीं करती, मगर म्यूजिक के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डांस के बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगेन हमारी कम्युनिटी नहीं करती, मगर ऑप्शंस हैं फॉर अदर कम्युनिटी. दूसरे बच्चे तो कर सकते हैं ना. तो उसमें और भी बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं. जैसे मैंने कहा अर्ली चाइल्डहुड है, तो फॉर बीइंग अ प्री प्राइमरी टीचर इट्स वेरी गुड. सो यू कैन चूज दैट वोकेशन. बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है. तो आपको जॉब मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका मतलब अगर हम ये सब सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हैं. अगर इसे हम बोलते हैं ना, एक वाइड एंगल में थोड़ा सोचे, तो अगर हमने कॉमर्स किया है, आर्ट्स किया है या साइंस किया है, तो हम टाइड अप हैं. हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं होती, इनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. ये भी है, और दूसरी बात ये भी है कि इनके इंटरेस्ट के हिसाब से है ना. राइट. सो फॉर अ चाइल्ड, आगे के बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें जरा भी मन नहीं लगता. बिल्कुल. तो माय डॉटर वाज वेरी वेरी डिटरमिंड के जब मुझे कॉमर्स पढ़ना ही नहीं है, जब मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं कर, मतलब बायोलॉजी तो उसने की, मगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जब मुझे नहीं करना, तो मैं क्यों पढ़ूं. मुझे नहीं पढ़ना, मुझे आप NIOS से कराइए. मैं 12th, और उसी दौरान मैंने उसे प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग भी करवाई. तो उसके पास एक स्किल सेट आ गया, इसलिए नहीं क्योंकि वो टीचर बने, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है. तो उसका जो एक्सपीरियंस, तो हमेशा जब आप अपने बच्चों को अगर आप चूज कर रहे हैं होम स्कूल करना, तो द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड द एक्सपोजर दैट यू गिव देम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके मैम, अभी देखा जा रहा है कि मतलब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई ये फैसला लेने लगे, किसी का बच्चा 5th स्टैंडर्ड में हो, 4th स्टैंडर्ड में हो, तो क्या इस एज पर आके फैसला लेना सही है या बचपन से ही, मतलब As you like it, Sajid. I think मेरी दोस्त, मेरी कजन्स हैं कैनेडा में, वो लोग जिस जगह पर थे उनको पब्लिक स्कूल समझ में नहीं आए, और उन लोगों ने भी होम स्कूल ऑप्ट किया. थोड़े लोग ईरान में हैं जो जिनको इरानियन सिस्टम समझ में नहीं आया, और बच्चे ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो उन लोगों के लिए भी NIOS हम लोग अब हमने सजेस्ट किया था, और वो लोग कर रहे हैं. तो आप थोड़े बच्चे होते हैं जो बीमार हो गए, फर्ज करिए फ्रैक्चर हो गया, बीमार हो गए, कोई बीमारी हो गई खुदा ना करे, तो आप इस सूरत हाल में भी आप बजाय इसके कि बच्चे को स्ट्रेस दे देकर आप स्टेट बोर्ड या ICSE या CBSE करवाएं, आप NIOS में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. तो आप वो फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, व्हाई नॉट. आई थिंक इट्स बेटर देन गिविंग so much stress to a child. मैम, जिस तरह आपने कहा कि इनके पास options ज़्यादा होते हैं, तो regular streams के options तो हम लोगों को पता है जो normally होते हैं, लेकिन NIOS जो बच्चे करते हैं उनके पास क्या options हो जाते हैं? देखिए, government की तरफ से ना बहुत सारी facilities हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है. okay. तो जैसे आपका CBSE का एग्जाम होता है, या आपका स्टेट का कोई एग्जाम, महाराष्ट्र बोर्ड का एग्जाम है 10th का, तो उसमें आपके पेपर होते हैं, जैसे पहला पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यू हैव टू गिव इट इन वन गो. जी. जब आप ओपन स्कूल करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप दो पेपर्स करें, मसलन तीन पेपर्स ना करें. अच्छा. तीन पेपर्स बाद में कर लें. तो आपने, जरूरी नहीं है कि आप पांच सब्जेक्ट पढ़ें, आप स्टडी 8 सब्जेक्ट कर सकते हैं, या 10 सब्जेक्ट कर सकते हैं, या 7 सब्जेक्ट कर सकते हैं.
आपको पास कोई भी पांच करना होता है. Okay. तो आपने कोई भी पांच पास कर लिए तो आप यू गेट योर टेंथ सर्टिफिकेट. फिर आपके पास स्क्राइब का चांस होता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है या कोई लर्निंग डिफिकल्टी है, वो उनके पास वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं तो उनको स्क्राइब मिलता है उनका पेपर लिखने के लिए. ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है. अगर कोई ओरली बोल सकता है तो वो ओरली बोले, ब्लाइंड बच्चा भी ओरली बोले, उसके लिए कोई राइटर लिख सकता है, राइटर अपॉइंट कर सकते हैं. ये फैसिलिटी है. फिर उसके बाद आप अपनी चीज़ों को स्पेस आउट कर सकते हैं. दो तीन एग्जाम आपने अब दिए, दो तीन एग्जाम आपने बाद में दिए. अब मसलन जैसे मैं अपना बोलती हूँ कि जैसे मेरी बेटी को एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में, उसका टाइम जा रहा है, डेट आएगी अक्टूबर में, तो मुझे तो उसका देर हो जाएगी, जब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत टाइम ज़ाया होगा. तो हमने ऑन डिमांड एग्जाम लिया. अच्छा, ऑन डिमांड मतलब मेरी तैयारी हो गई, मैंने उसकी तैयारी करवा दी, नेक्स्ट मंथ मुझे एग्जाम लेना या इसी महीने के आखिर में मुझे एग्जाम लेना. That's great. तो हमने ऑन डिमांड एग्जाम लिया, इसी महीने में एग्जाम हमने तैयारी करके उसकी एग्जाम दिला दिया. तो फिर वो बाय द टाइम उसका रिजल्ट आता है एंड एवरीथिंग है, शी विल नॉट मिस आउट ऑन अ ईयर फॉर यूनिवर्सिटी. अपने इंडिया में हो रहा है ऐसा, हम लोग को पता ही नहीं था बहुत सारी चीजें. जी जी, कितने बच्चे ऐसे, और ये आज से नहीं, ये सालों से है. NIOS तो बहुत पहले की, बोर्ड के बारे में हम लोग सुना था, लेकिन वो नीलम ने कहा था ना, हम लोग समझते हैं कि बहुत कमजोर बच्चे इसमें जाते हैं. और जिस तरह आपने मैम एग्जाम्स के बारे में बताया, तो साजिद हम कई सारे ऐसे बच्चों को जानते ना जो बेचारे बीमार हो जाते हैं, एक आध सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दे पाते और उनका ईयर वेस्ट हो जाता है. मुझे पता होता मैम, मैं खुद भी दे देता है ना. राइट. NIOS में एक्चुअली देखिए बात वही होती है कि आपके एटीट्यूड की बात होती है, कि अगर आप एटीट्यूड ये रखेंगे कि भाई किसी भी तरह पास हो जाए बस, चाहे वो चीटिंग करके पास हो जाए, चाहे कोई ऐसी आगे बढ़ा दे, ये एक एटीट्यूड होता है आपका. तो अगर आप बच्चों के अंदर वो वाला माइंडसेट लाएंगे तो फिर तो किसी भी पढ़ाई का कोई भी फायदा नहीं, लाइटली ही लेंगे, लाइटली लेंगे. और अगर आप ये करेंगे कि नहीं बेटे, जो हमने ऑप्ट किया है उसको हमें, तो मैंने अपनी बेटी के लिए ट्यूटर्स रखे थे. अच्छा. जो मुझे महंगे पड़े, मैंने खुद बहुत इन्वेस्ट किया टाइम उससे बायोलॉजी, और क्योंकि आई एम अ बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी स्टूडेंट, आई वॉज एबल टू डू इट. तो मैंने वो दोनों सब्जेक्ट बहुत टाइम निकाल के उसे पढ़ाए हैं, उसे ट्यूशंस दिलवाया है. अर्ली चाइल्डहुड के लिए वो एक पेपर पास करने के लिए मैंने उसे पूरा प्री प्राइमरी कोर्स करवाया अपने स्कूल. मतलब आप बहुत सिंसियर हैं इसको लेकर, बहुत ज्यादा. मतलब अगर हम सिंसियर नहीं होंगे तो बच्चों के अंदर वैल्यू कहां से? वही मैं जानना चाह रहा हूँ. ऐसा ना हो कि लोग बोले कि होम स्कूलिंग में मतलब अपने हिसाब से हम चला सकते हैं. आप देखें, आप अगर वो वाला एटीट्यूड रखेंगे तो फिर बच्चों में भी वही टाइम पास वाला एटीट्यूड आएगा. अगर आप पढ़ाई को सीरियसली देंगे, उसकी कोई वैल्यू रखेंगे, तो वही वाला एटीट्यूड बच्चे डेवलप करते हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ सीरियसली यू टेक दैट. कुछ वोकेशनल कोर्सेज की तरफ आप बताना चाहेंगे जो अगर होम स्कूलिंग से कराएं हम लोग कर लें? वोकेशनल भी ऑप्शन, अब तो बहुत ऑप्शंस आ गए वोकेशनल के भी. मगर आप एक बार आप टेंथ कर लेते हैं ना, उसके बाद आपके पास 11th 12th के लिए बहुत चॉइस होती है. बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, लैब टेक्नीशियन के होते हैं, फोटोग्राफी के होते हैं, टूरिज्म के होते हैं, there are many things that you can do. Nursing का होता है, therapist का होता है, that you can do after your 10th class. ये सब के लिए हम लोग eligible रहेंगे home schooling के बाद? Yeah, different things have different criteria. Okay. But why just 10th? You can do 12th also with NIOS. So finish your 12th, finish your education and do your graduation. And it's always good to be qualified than to be underqualified. Exactly. Right. मैम, जहाँ हमने इतना डिस्कस किया इन ऑप्शंस के बारे में, आई एम श्योर हमारे जो व्यूवर्स हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सोच रहे होंगे कि NIOS में अब अप्लाई किस तरह किया जाए. स्कूल में तो बच्चे हैं या कॉलेज में हैं, अब उन्हें अगर लग रहा है कि नहीं इसमें ज़्यादा करियर ऑप्शंस है या हमारे बच्चे के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो वो किस तरह से स्विच कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी नीलम. NIOS की वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट. आप www.nios.in करिए, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए. उसमें सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बोर्ड है, तो आप उसमें चूज करिए कि आपको कौन से, टेंथ के लिए कर रहे हैं कि ट्वेल्थ के लिए कर रहे हैं. उसमें बहुत सारे एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन. उसमें आपका डैशबोर्ड ऑनलाइन है, स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन है, रिजल्ट ऑनलाइन है, एग्जाम्स की डेट्स, पेमेंट, एवरीथिंग इज क्विक, एवरीथिंग इज ईजी. और जो हमारी एक सोच है, बस सिर्फ एक मेरे ख्याल से एक ड्रॉबैक ये है कि
जब हम बुक्स के लिए अप्लाई करते हैं वो थोड़ा टाइम लगती है आने के लिए, बट ऑनलाइन बुक्स आर अवेलेबल, यू कैन डाउनलोड द बुक्स. और ऐसा नहीं है नीलम के NIOS का कंटेंट जो है वो हल्का है, NIOS का अच्छा खासा कंटेंट है. जी ये तो मिसकंसेप्शन चल रहा है कि वीक बच्चे NIOS के वीक बच्चों के लिए है या बच्चे जो नहीं कर सकते नहीं पढ़ सकते. नहीं, बायोलॉजी का बहुत अच्छा खासा कंटेंट था, साइकोलॉजी का अच्छा खासा कंटेंट है, मैथ्स का काफी 2-3 किताबें हैं मैथ्स की. मैं आपसे जानना चाहूं कि कुछ इशारे इशारे में अगर आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा बता दें होम स्कूलिंग की. डेफिनेट एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आपका बच्चा किसी भी चीज में डिफरेंट है, जैसे अगर फुटबॉल में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, यू वांट टू उसको, जैसे बहुत सारे लोग दीनी तालीम देना चाहते हैं, कुरान की तालीम देना चाहते हैं, तो आप दीनी तालीम कुरान की तालीम के साथ साथ जैसे मदरसा जाते हैं बहुत सारे बच्चे, तो डोंट मिस आउट ऑन रेगुलर स्कूल बिकॉज यू कांट गो टू अ स्कूल. बिल्कुल. तो आप उसके साथ साथ 10th और 12th कर सकते हैं okay. है ना. तो ये एक एडवांटेज है. जहाँ डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, जैसे आप ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि सोशल पीयर्स या एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों को हमको बहुत ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे इन चीज़ों में मिस आउट ना करें. क्योंकि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनका एक रूटीन होता है जी. वो दे वेक अप, दे गो टू स्कूल, उनकी बस आती है, उन्हें तैयारी करनी होती है, फिर फलाने दिन छुट्टी होती है. होम स्कूल में आपको बहुत डिसिप्लिन रखना होता है, पर्सनली हमें ADL पे वर्क करना है. पर्सनली हमको रखना है बच्चों की टाइम टेबल पे, बच्चों की रूटीन पे, उनकी ट्यूशन क्लासेस पे, उनकी एक्सरसाइजेस पे. तो ये एडवांटेज भी है एक तरह से कि हम उसे अपनी तरह से मोल्ड कर सकते हैं अपने हिसाब से. और डिसएडवांटेज है कि अगर आप उसे टालते रहे तो योग. हाँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, चलो हमारे ही घर में तो है, कल हम करा लेंगे. मतलब आपको वर्क करना है स्कूल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर करना है. सीरियसनेस के साथ अगर आप करें, डिसिप्लिन और सीरियसनेस के साथ, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. यानी मैम हम ये कह सकते हैं कि आज के एपिसोड में हमने जिस चीज का लोगों का नजरिया बदला है वो ये है, सबसे पहले साजिद, कि NIOS सिर्फ वीक बच्चे नहीं करते और इनके पास भी बहुत करियर ऑप्शंस हैं. बिल्कुल. और ये किसी से भी कम नहीं होते, और ना इनकी डिग्री और की वैल्यू जो है वो किसी भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन से कम है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी अपनी बेटी 12th करके शी इज इंशाल्लाह गोइंग टू अमेरिका, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. मैम बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे. इंशाल्लाह जरूर. थैंक यू सर. नाज़रीन जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग जब बच्चों के फ्यूचर की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में आने लगती हैं, और कभी कभी सुनी सुनाई बातों पर हम अमल करते हैं. हम लोग ने कोशिश ये किया कि जो कॉन्सेप्ट नया है, मतलब पुराना कॉन्सेप्ट है लेकिन हम लोगों के लिए नया है क्योंकि हम लोग शायद पहली बार सुन रहे हैं, तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इस पर फोकस करने से पहले आपको थोड़ा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. और जैसा कि मैम ने बताया कि कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं कर सकते कि जो सब कर रहे हैं वो हम भी करने लगेंगे. आपको बहुत सीरियस होकर अपने बच्चों का फैसला लेना है क्योंकि ये आपके बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है. आप इसे ये कह के नहीं छोड़ सकते कि नहीं नहीं आज नहीं कल कर लेंगे, क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, और अगर आप उन्हें सिखाएंगे आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह वो एक दिन बेस्ट इंसान बनकर निकलेंगे. हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए चैनल में. बहुत शुक्रिया.